हेलो दोस्तों, अनअकैडमी के लेट्स क्रैक एमपी एग्ज़ाम्स पर मैं वैशाली दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, ये आज हमारा एमपी का लेक्चर नंबर 5 है, जहां हम मध्य प्रदेश में मध्यकालीन भारत के बात कर रहे हैं। और पूरा का पूरा अभी तक हमने मुगल काल से संबंधित पूरे तथ्य पढ़ लिए थे, दिल्ली सल्तनत को कवर किया था, फिर मुगल काल और मालवा में भी स्वतंत्र मुस्लिम शासन को हम पढ़ते हुए आए थे। दोस्तों, ये हमारी टीम है लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स की, जहां पर हमारी टॉप टीम लगातार आपको क्लासेस दे रही है। दोस्तों, मेरा नाम वैशाली दुबे है और मैंने MSc फिजिक्स से किया हुआ है और मैं 2016 से लगातार आपकी क्लासेस ले रही हूँ। दोस्तों, और मैं आपकी एमपी स्पेसिफिक जीके की क्लास कवर कराऊंगी। साथ ही साथ हम आपदा प्रबंधन पर भी बात कर रहे हैं। मेरा एक लेक्चर है जो हमारे न्यू चैनल एमपी एग्जामिन 10 पर भी आ रहा है। दोस्तों, जहां हमारे एजुकेटर किसी भी टॉपिक को मात्र 10 मिनट में, वो क्विक रिवीजन करने का सबसे आसान तरीका है, जहां आप सिर्फ मात्र 10 मिनट में किसी भी टॉपिक को कवर कर सकते हैं। दोस्तों, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए तथा उन वीडियो को भी, वीडियो जो जितनी भी अपलोड की जा रही है उनको भी ज़रूर देखिए, जहाँ आपके हर एक टॉपिक को मात्र 10 मिनट में कवर कराया जा रहा है। दोस्तों, यदि मैं बात करूँ अनअकैडमी की, अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, देखिए दोस्तों, इस समस्या भरे, एक लॉकडाउन भरे इस समय में भी आप जहाँ घर बैठे कर सकते हैं, जहाँ सारा संसार जो है वो कोरोना की समस्या से ग्रसित है, लेकिन हमारा अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लगातार आपकी क्लासेस दे रहा है आपको, और आपकी हर एक टॉपिक को कवर कराते हुए आपकी मार्ग में आने वाली सफलता और आपके बीच में जो भी बाधाएं आ रही हैं उनको दूर करते हुए आपको क्लासेस दे रहा है, जहां हमारे एजुकेटर डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, MCQs के माध्यम से लगातार आपकी क्लासेस ले रहे हैं। और दोस्तों, हमारे टॉप एजुकेटर के रूप में पवन चौधरी सर, अमित शुक्ला सर, रूप सिंह यादव सर जैसे बेस्ट एजुकेटर टीम हमारी लगातार आपको क्लासेस दे रही है। हर एक सब्जेक्ट को कवर कराते हुए हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर तैयारी करा रहे हैं। यदि आप MPPSC का और व्यापम का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, और यदि आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसकी कॉस्ट है दोस्तों 7,000 रुपये। लेकिन यदि आप मेरा कोड वैशाली10 यूज़ करेंगे तो यही आपको 10% डिस्काउंट के बाद मिलेगा 6,300 रुपये में। और यदि आप 2020 और 2021 की तैयारी करना चाहते हैं और एक ही बार में किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करना चाहते हैं, तो आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए जिसकी फ़ीस है मात्र 8,400। लेकिन यदि आप मेरा कोड वैशाली10 यूज़ करेंगे तो यह आपको मिलेगा 7,560 रुपये में। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 7,560 रुपये का है, और इसमें आप मेरे और मेरी टीम के सभी के लेक्चर देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो है वो आप MPPSC की प्री प्लस मेंस की क्लासें और व्यापम की भी क्लासेस जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, कल हम सबसे पहले 2 मिनट में समझते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था। तो देखिए, कल का जो हमारा टॉपिक था वो मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम शासकों के बारे में पढ़ा था, कि कैसे मालवा में मुगलों का अधिकार होता है, विशेषाय सूरी की मालवा की विजय पड़ी थी, और सांस्कृतिक गतिविधियों को आज हमें पढ़ना है। सांस्कृतिक गतिविधियों में हम साहित्य की बात करेंगे, चित्रकला की बात करेंगे, संगीत कला की बात करेंगे और स्थापत्य कला की बात करेंगे। यदि हम बात करें मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम शासन की, तो हम जानते हैं कि जब दिल्ली सल्तनत जो है वो मालवा दिल्ली सल्तनत के बाद जब मालवा पर स्वतंत्र शासन की स्थापना हो जाती है, और उस काल में जो पूरा का पूरा मालवा था वो अंधकार में चला जाता है, और इसी कारण मालवा के इस टाइम पीरियड को अंधकारमय युग के नाम से जाना जाता है। किस युग के नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो अंधकारमय युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत अभी तक शासन कर रही थी मालवा पर, और जैसे ही पूरा दिल्ली सल्तनत की सत्ता समाप्त हो जाती है तो मालवा का इतिहास अंधकारमय हो जाता है। उसके बाद में जैसे ही गौरवंश की स्थापना होती है, कहाँ पर? मालवा में। मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी समूह है वो मालवा कहलाता है। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो भी उनको भी पता होगा कि जो मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी समूह है वो मालवा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अभी तक आप लोगों को मेरी आवाज़ में आ रही कठिनाई के कारण जो भी समस्या उठानी पड़ी उसके कारण मुझे बहुत खेद है। आगे मैं कोशिश करूंगी कि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आने पाए। दोस्तों, गौरवंश की स्थापना के बारे में हमने कल पढ़ा था कि दिलावर का गौरी, अल्पखा गौरी और मोहम्मद शाह गौरी ने यहाँ पे शासन किया था। कल हमने पढ़ा था दिलावर का गौरी के बारे में, कि इसका वास्तविक नाम जो था वो हुसैन था और ये गौरवंश का ही था, क्योंकि इसकी जो माँ थी वो सुल्तान शिहाबुद्दीन गौरी की ही वंशज थी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि फिरोज शाह तुगलक ने इसे मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था, जहां इसने दिलावर खां, क्योंकि इसके पुत्र अल्प खां ने बोला था, अल्प खां के
उस आग्रह पर ही सुल्तान आदिम शाह दाऊद दिलावर खां गौरी की उपाधि धारण करके इसने मालवा पर स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी। कल हमने ये पढ़ा था। साथ ही साथ इसने मालवा में कला प्रेमी मालवा में मध्ययुगीन मुस्लिम स्थापत्य कला का संस्थापक भी दिलावर खां गौरी को माना जाता है कि इसने कला संस्कृति की जो है मालवा में स्थापना की थी और धार और मांडू में दो मस्जिदों का निर्माण भी कराया था। दोस्तों ये हमारा क्विक रिविजन चल रहा है। आप यदि इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो इसके पहले वाली जो मेरी वीडियोस हैं आप उन्हें ज़रूर देखें, जहां पर हम पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत से लेके यहां तक कवर करते हुए आ रहे हैं। फिर हमने होशंगशाह के बारे में पढ़ा था कि इसने राजधानी है वो मांडू बनाई थी और इसके दो अभियान महत्वपूर्ण थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे, कि 1420 में इसने जाजनगर अभियान किया था और खेरला पर बैतूल वाले क्षेत्र पर आक्रमण किया था और खेरला पर अधिकार किया था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि 1423 में इसने गागरौन के किले को जीता था और जो गागरौन वाला क्षेत्र है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि कल हमने पढ़ा था गागरौन का किला, ये गागरौन का किला वर्तमान में हम मैंने जिला भी बताया था और राज्य भी बताया था कि कहाँ आता है, कमेंट बॉक्स में बताइए आप। फिर उसके बाद में हमने शेरशाह सूरी के द्वारा मालवा विजय की बात की थी, जहां पर उसकी हमने पूरे के पूरे सेनापतियों के बारे में पढ़ा था कि जो स्वाजत खां है उसे हांडिया, हाजी खां को सतवास और जुनेद खां को धार और मांडू में उसने सूबेदार नियुक्त किया था। साथ ही साथ पूरा रायसेन बस छोड़ रायसेन क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण मालवा पर किसका अधिकार था, अफगानों का अधिकार था। फिर तब जाके मार्च 1543 को शेरशाह सूरी आता है और रायसेन के ही शासक पूर्णमल को हराकर रायसेन को भी जीत लेता है और इस प्रकार पूरा का पूरा मालवा शेरशाह सूरी के अधीन हो जाता है। फिर हमने बाज बहादुर के बारे में पढ़ा था कि बाज बहादुर जो था उसका जो रियल नाम था वो क्या था कि बायजीत खां, और बायजीत खां ही बाज बहादुर शाह की उपाधि लेकर कहाँ बैठा था, दिल्ली सॉरी मालवा की गद्दी पर बैठा था। उसके बाद हुआ ये था कि इसने कहाँ आक्रमण किया था, गढ़मंडला की ही शासिका कौन थी, रानी दुर्गावती, उन पर आक्रमण किया था, जहाँ ये बुरी तरह पराजित हो गया था। और बुरी तरह से पराजित होने के बाद इसने जो सैन्य अभियान था वो छोड़ दिया था क्योंकि ये काफी लज्जित हो गया था। फिर हमने क्या पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि बाज बहादुर रानी रूपमती के साथ फिर संगीत कला में, संगीत कला और ललित कलाओं की तरफ अग्रसर हो जाता है और उसी के द्वारा उसने अनेक रागों का आविष्कार होता है जिनमें राग मलावी जो है वो सॉरी जिनमें राग मलावी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, राग मालवी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि अकबर और बाज बहादुर के बीच में एक युद्ध होता है और इस बात का जो वर्णन है वो कहाँ पर, मालवा विजय हेतु 12 मार्च 1561। आगे हम पढ़ेंगे कि इस बात का उल्लेख कहाँ मिलता है कि 12 मार्च 1561 में मालवा विजय हेतु अकबर जो है वो आदम खां के नेतृत्व में सेना भेजता है और एक तरफ है आदम खां अकबर की ओर से और एक तरफ है बाज बहादुर, दोनों की लड़ाई होती है जिसमें जीतेगा कौन, हमारा अकबर, हमारा नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करें इस प्रकार से 1562 में अकबर ने पूरा का पूरा जो मालवा क्षेत्र है वो जीत लिया। अब चालू करना है, आज का टॉपिक हमारा है सांस्कृतिक गतिविधियां और यहाँ से ही हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। साहित्य की बात करें तो सबसे पहले हमें एक एक बुक को कनेक्ट करके लिंक कर करके हमें याद करना है। तो हम यदि बात करें कि बुद्धि सागर जो इम्पोर्टेंट है, मैंने वही डाली हुई है जो बुक्स में जो भी बुक्स हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई हैं, इन्हें याद हम कोशिश करेंगे कि यहीं के यहीं याद करने का प्रयास करेंगे। तो बुद्धिसागर, तो बुद्धिसागर किसकी बुक है, तो संग्राम से है, सोने की बुक है संग्राम से है। तो हम देखिए बुद्धि के लिए बहुत ही संग्राम करना पड़ता है, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि बुद्धि के लिए बहुत ही संग्राम करना पड़ता है, ठीक। फिर उसके बाद हम बात करें कि 1493 ईस्वी में ललितांग चरित्र पुस्तक है, ये मंदसौर में लिखी गई थी दोस्तों। कौन सी बुक है, ललितांग चरित्र पुस्तक, ललितांग चरित्र पुस्तक है, ये मंदसौर में लिखी गई थी ईश्वर सूरी ने, किसने लिखी है, ईश्वर। तो कैसे हम याद रखें, ललित, ललित किसकी छवि है, तो ईश्वर की छवि है। तो ललितांग बात करें तो कहाँ किसकी बुक है, ये ईश्वर सूरी की है। और बुद्धिसागर बुक किसकी है, तो संग्राम सिंह सोने की बुक है। फिर उसके बाद बात करें कि जैन विद्वान शुक्ल कीर्ति ने मांडू के प्राकृतिक अपभ्रंश में एक प्रोमिस्ट प्रकाश सराकर रचना की थी। ये दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये बुक, क्योंकि ये बुक जो है वो पूछी जा चुकी है और आने वाले सभी एग्जाम में इस बुक के बारे में क्वेश्चन उठने की प्रबल संभावना है कि प्रोमिस्ट प्रकाश सरा नामक बुक किसने लिखी है और किसका वर्णन इसमें किया गया है। तो मांडू के प्राकृतिक
अपभ्रंश के बारे में इसमें बताया गया है। साथ ही साथ ये जैन विद्वान थे शुक्ल कीर्ति जी, और शुक्ल कीर्ति जी के द्वारा ही इस बुक को लिखा गया था। नेक्स्ट यदि हम बात करें कि 1528 में मालवा में राजपूतों के प्रभुत्व में एक क्या था कि आस्टा, जो वर्तमान में सीहोर जिले का भाग है, और वहां पे ही एक प्रमुख एक विद्वान जैन संत रहा करते थे, नेमीनाथ जी। तो मालवा में राजपूतों के प्रभुत्व में नेमीनाथ जी ने आस्टा में रहकर 3 बुक की रचना की थी, और इन 3 बुक के बारे में हमें पढ़ना है कि श्रीपाल चरित्र, सुदर्शन चरित्र और नेमीनाथ पुराण। कौन कौन सी बुकें हैं दोस्तों? श्रीपाल चरित्र, ये आ सकता है कि श्रीपाल चरित्र किसने लिखी है, सुदर्शन चरित्र किसने लिखी है, और नेमीनाथ पुराण किसने लिखी है। तो ये किसने लिखी है दोस्तों? नेमीनाथ जी ने लिखी है। तो हमने अभी कितनी बुक के बारे में पढ़ लिया? हमने 6 बुकों के बारे में पढ़ा कि सबसे पहले बुद्धि सागर बुक, तो बुद्धि सागर बुक किसके द्वारा लिखी गई? संग्राम सिंह सोनी के द्वारा लिखी गई। फिर हमने ललितांग के बारे में पढ़ा, तो ललितांग है ये कैसे याद रखें, ललितांग ईश्वर जी, तो ईश्वर सूरी के द्वारा लिखी गई। फिर उसके बाद एक जैन विद्वान थे शुक्ल कीर्ति, उनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई? प्रोमिस्ट प्रकाश सरा बुक लिखी गई। और उसके बाद में नेमीनाथ जी आते हैं, और नेमीनाथ जी के द्वारा 3 बुकें लिखी गई, नेमीनाथ पुराण लिखी गई, सुदर्शन चरित्र लिखा गया, साथ ही साथ श्रीपाल चरित्र भी लिखा गया। नेक्स्ट यदि हम बात करें राजा भोज की, तो राजा भोज हैं वो परमार वंश के बहुत ही विद्वान और प्रतापी शासकों में से एक थे राजा भोज। और राजा भोज के बारे में जब हम परमार वंश पढ़ेंगे दोस्तों, तो वहां पे इनकी राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियां अलग से पढ़ेंगे, लेकिन ये हम मालवा की सांस्कृतिक गतिविधियां पढ़ रहे हैं। तो राजा भोज के बारे में भी मैंने यहीं पर इनकी बुक्स के बारे में वर्णन कर दिया है कि समरांगण सूत्र, सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, राज कार्तड्य और योग्य सूत्र वृत्ति, विद्या विनोद, युक्ति कल्पितरु, चारु चर्चा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चारु चर्चा, आदित्य प्रताप सिद्धांत। देखिए हुआ ये है कि मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि पहले जो राजधानी थी वो क्या थी, पूरा का पूरा जो राजा भोज ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो मांडू को बनाई थी। साथ ही साथ इनके द्वारा बहुत सारे ऐसे कार्य किए गए, क्योंकि इनका जो काल था वो मालवा में परमार वंशों का स्वर्णयुग के नाम से भी जाना जाता है। इनके द्वारा बहुत सारे भवनों का निर्माण किया गया, बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं, साथ ही साथ चित्रकला का भी वर्णन मिलता है, स्थापत्य कला का भी वर्णन मिलता है कि भोजताल का जो वर्तमान में जो भोजताल है अपना भोपाल के पास में, जिसे बड़ा ताल और छोटा ताल कहा जाता है, तो इसके पूरे के पूरा जो निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया था? राजा भोज के द्वारा किया गया था, और उनके द्वारा ही इतनी सारी जो बुक्स हैं वो लिखी गई थी। हमें एक एक करके सबको याद करना है कि यदि हम बात करें तो समरांगण सूत्र, सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, और उसके अलावा योग्य सूत्र वृत्ति, विद्या विनोद और युक्ति कल्पितरु, चारु चर्चा, आदित्य प्रताप सिद्धांत, आयुर्वेद सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश, क्योंकि आयुर्वेद को बहुत ही क्या देते थे, संरक्षण प्राप्त था यहाँ पे, तो आयुर्वेद सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश, प्राकृत व्याकरण, और ये कर्म शतक है, कूर्म शतक नहीं है, ये कर्म शतक है, कर्म शतक, श्रृंगार मंजरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, श्रृंगार मंजरी पूछा जा चुका है, भोज चंपू और कृत्य कल्पितरु, तत्व प्रकाश, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रही हूँ आप इनको तो याद रखिए, तत्व प्रकाश, यदि हम बात करें तत्व प्रकाश की। फिर उसके बाद में शब्दानुशासन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजा भोज की तो कोई भी बुक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो किसी न किसी एग्जाम में पूछी जाती है कि कल्पितरु, तत्व प्रकाश, शब्दानुशासन किसके द्वारा लिखी गई बुक्स हैं। आई होप आप सभी लिखते जा रहे होंगे, साथ ही साथ याद करते जा रहे होंगे। उसके बाद यदि हम बात करें सांस्कृतिक गतिविधियों में ही चित्रकला की, तो दोस्तों मालवा में चित्रकला का जो इतिहास है वो काफी पुराना है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे जानते हैं कि मालवा में ही बाघ की गुफाएं और उदयगिरी की गुफाएं हैं। दोस्तों बाघ की गुफाएं कहाँ पर आती हैं? धार जिले में, और उदयगिरी की गुफाएं कहाँ आती हैं? हमारी विदिशा जिले में आती हैं। और इनके जो प्रमाण मिले हैं वो हमें कहाँ से हैं? ये प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं हैं ये, है ना। तो बाघ की गुफाएं, उदयगिरी की गुफाएं के जो प्रमाण मिले हैं ये बहुत ही पुराने हैं। और एक और इसमें चित्रकला की बात करें कि महमूद खिलजी प्रथम के समय प्रसिद्ध मांडू काल सूत्र का चित्रण किया गया था, और ये जो मांडू काल सूत्र का चित्रण किया है इसकी विषय वस्तु क्या थी?
किसने किया है? देखिए, महमूद खिलजी प्रथम के, इसके जो टाइम पीरियड था वो किसका था, तो महमूद खिलजी प्रथम का था। मांडू काल सूत्र का किया गया है और इसकी जो विषय वस्तु थी वो ये थी कि प्राकृतिक वनस्पति, पशु पक्षी और स्त्रियों के विभिन्न भाव भंगिमा का वर्णन इसमें किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मांडू काल सूत्र। तो दोस्तों, मांडू काल सूत्र के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मांडू काल सूत्र है ये किसके शासनकाल में लिखी गई, तो महमूद खिलजी प्रथम के शासनकाल में लिखी गई, जिसमें प्राकृतिक वनस्पति, पशु पक्षी और स्त्रियों की भाव भंगिमा के बारे में वर्णन मिलता है। साथ ही साथ दो और जो चित्र हैं वो मिले हैं, जो हैं नियामत नामा है, ये नियमित नहीं है, ये नियामत नामा और नासिर शाह खिलजी नामा, ये दो जो हैं ये बुक्स जो है बुक्स नहीं सॉरी चित्रकला जो है वो मिली है। एक्चुअली है क्या कि ये जो नियामत नामा है ये नासिर शाह खिलजी के शासनकाल में लिखी गई बुक थी और नासिर शाह खिलजी के काल में लिखी गई बुक को ही फिर क्या किया गया था, चित्र रूप में, चित्रकला के रूप में इसे व्यवस्थित किया गया था। जैसे कि अकबर के काल में, अकबर के काल में ही क्या किया गया है, महाभारत की बहुत सारे चित्र मिले हैं और जिन जो जो किसने किए थे, दशावन ने किए थे, आपने हिस्ट्री में पढ़े थे। वही बात यहाँ पे आ जाती है कि लिखी क्या है, नियामतनामा और वो बुक है, लेकिन इसको बुक को ही फिर पूरा का पूरा जो है चित्रकला के माध्यम से सचित्रित किया गया है। और कौन सी बुक है, नियामतनामा, जो नासिर शाह खिलजी के शासनकाल में लिखी गई थी। ठीक, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। एक बार हम पूरा का पूरा रिवीजन करते हैं कि सबसे पहले हमने देखा कि बुद्धि चरित्र के बारे में लिखा कि संग्राम सिंह लोधी के द्वारा लिखी गई थी, फिर हमने देखा कि ललितांग नामक पुस्तक लिखी गई है, ईश्वर सूरी ने लिखी है, फिर उसके बाद शुक्ल कीर्ति ने लिखी है, प्रोमिस्ट प्रकाश शिला लिखी है, उसके बाद में नेमीनाथ जी के द्वारा तीन बुक लिखी गई हैं, कौन कौन सी है, श्रीपाल चरित्र लिखी गई है, नेमीनाथ पुराण लिखी गई है और सुदर्शन चरित्र लिखी गई है। फिर राजा भोज की हमने बहुत सारी बुक्स के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें चित्रकला की, तो हमने देखा कि बाघ की और उदयगिरी की जो गुफाएं हैं चित्रकला के काफ़ी पौराणिक यहाँ पे इतिहास जो के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ मांडू काल सूत्र के बारे में देखा कि महमूद खिलजी प्रथम के काल में मांडू काल सूत्र का चित्रण मिलता है, जिसमें वनस्पति तथा स्त्रियों की भाव भंगिमा के बारे में चित्रण दिखाया गया है। इसके अलावा हमें दो सचित्रण और मिलती है, एक मिलता है नियामतनामा और एक नासिर शाह खिलजी नामा, और ये दोनों की दोनों बुकें हैं वो नासिर शाह खिलजी के ही शासनकाल में लिखी गई थी। नेक्स्ट यदि हम बात करें सांस्कृतिक गतिविधियों में, तो आती है हमारी संगीत कला और नृत्य कला। तो दोस्तों, यदि हम बात करें कि मालवा में संगीत को मुंज और भोज के समान परमान नरेशों का संरक्षण मिला, मतलब कि ये है कि मालवा में जिस प्रकार राजा मुंज ने और राजा भोज ने संगीत को एक संरक्षण प्रदान किया था, वैसी ही परमान नरेशों का भी संरक्षण आगे मिलता है। क्योंकि जो मुंज थे वो क्या थे, एक कवि गायक और संगीतज्ञ थे। मुंज खुद ही क्या थे, एक कवि गायक और एक कवि थे, गायक थे और संगीतज्ञ थे। और राजा भोज के द्वारा, देखिए यहाँ पर राजा भोज के द्वारा संगीत में बहुत रुचि थी राजा भोज को, और इसी कारण इन्होंने संगीत और नृत्य को संरक्षण प्रदान करने हेतु धार में ही एक सरस्वती पुत्र शाला, जो कि एक संगीत शाला और नृत्य शाला के रूप में स्थापित की हुई थी, राजा भोज ने बनवाई है। कहाँ बनवाई है, धार में बनवाई है। उसका नाम क्या था, तो सरस्वती पुत्र शाला। फिर इसके अलावा सरस्वती मंदिर का निर्माण भी राजा भोज ने करवाया है। नेक्स्ट यदि हम बात करें बाज बहादुर और रानी रूपमती, तो बाज बहादुर और रानी रूपमती ने जो है वो अनेक राग रागनी का आविष्कार किया था, अनेक रागों का आविष्कार हुआ था, जिनमें जो मुख्य है वो क्या है कि मूप कल्याण रागनी गुजरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये दोस्तों कि मूप कल्याण और रागनी गुजरी क्या है। मूप कल्याण और रागनी गुजरी जो है वो बाज बहादुर और रानी रूपमती के काल में ही आविष्कृत हुई राग रागनियां हैं, या संगीत की एक विधा है, जिसका नाम क्या है, मूप कल्याण और रागनी गुजरी। नेक्स्ट यदि हम बात करें बाज बहादुर जो हैं उनका एक, उन्होंने एक ख्याल, क्योंकि गायन की भी एक शैली होती है कि ख्याल गायन हो गया, तो उसी के अंतर्गत इन्होंने एक ख्याल जो है उसका आविष्कार दिया था, जिसका नाम है बाज खानी ख्याल। बाज खानी ख्याल दोस्तों, क्या नाम है उसका, बाज खानी ख्याल। देखिए ये है बाज खानी ख्याल। तो हमने क्या क्या देख लिया
कि हमने देखा कि राजा भोज ने सरस्वती पुत्र नामक एक संगीतशाला या नृत्यशाला बनवाई है कहाँ पर, धार में। साथ ही साथ बाज बहादुर और रानी रूपमती के काल में ही अनेक राग रागनियों का आविष्कार हुआ है, जिनमें से जो मुख्यतः हैं वो मूक कल्याण और रागनी गुजरी हैं। बाज बहादुर जी ने ख्याल का एक नया रूप दिया था, जो किस नाम से जाना गया, बाज खानी ख्याल के नाम से जाना गया। उसके बाद हमें दोस्तों पढ़ना है स्थापत्य के बारे में, कि सिर्फ अभी देखिए ये हम मालवा के ही स्थापत्य पढ़ रहे हैं, और जो मुख्यतः हम मालवा के स्थापत्य तो बहुत सारा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको भोपाल के हर एक किले के बारे में क्यों नहीं बता रही हूँ, मैं यहाँ पर आपको इंदौर, धार, खंडवा, खरगोन, इनमें भी बहुत सारे जो किले हैं वो बने हुए हैं, मैं इनके बारे में क्यों नहीं बता रही। दोस्तों यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत के बाद स्वतंत्र मुस्लिम शासन की स्थापना हो जाती है, और उस स्वतंत्र मुस्लिम शासकों के द्वारा ही या प्रतिहार और परमार वंश के राजाओं के द्वारा ही मालवा को केंद्रित करके कौन कौन सी सांस्कृतिक गतिविधियां बनवाई गई थी हम वो देख रहे हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो यदि हम बात करेंगे व्यापम और एक फैक्ट के रूप में तो भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, साथ ही साथ इसे यदि आप मेंस से रिलेटेड करके देखें तो ये भी अपने आप में 5 नंबर का और 11 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि मालवा में सांस्कृतिक गतिविधियों को समझाइए, तो उसमें हमें सभी लिखना पड़ेंगे, साहित्य, चित्रकला, स्थापत्य कला, संगीत कला और नृत्य कला के बारे में हमें लिखना होगा। फिर उसके बाद हम बात करें स्थापत्य कला की, तो दोस्तों स्थापत्य की यदि हम बात करें तो धार और मांडू बहुत ही फेमस हैं, धार और मांडू के किले, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो सिटी ऑफ जॉय है वो मांडू कहलाता है, और मांडू आता कहाँ पर है, धार। तो देखिए जो पर्टिकुलर धार का किला और एक धार में ही धार जिले में आता है मांडू, तो एक मांडू, दोनों का दोनों जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सबसे पहले यदि हम बात करें कि धार का किला, तो देखिए जो धार का किला है वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया था, ये फैक्ट ज़रूर याद रखिए कि जो धार का किला है वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया था, और इस किले का जो निर्माण है वो 1325 से लेके 1340 के बीच में हुआ था, 1325 से लेके 1340 के बीच में हुआ था। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर 4 मस्जिदें जो थीं वो बनवाई गई थीं 1400 से लेके 1425 के बीच में। वो कौन कौन सी मस्जिदें हैं, ये जो लाठ की मस्जिद है दोस्तों, ये एक बार पूछी जा चुकी है, पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें लाठ मस्जिद जो है वो पूछी गई थी, लाठ मस्जिद और कमाल मौला मस्जिद, ये कहाँ पर हैं, तो हमें इनको भी याद रखना है कि कमाल मौला मस्जिद और लाठ मस्जिद हैं वो कहाँ आती हैं, धार में आती हैं। साथ ही साथ दिलावर खां की मस्जिद, आपको याद आया हुसैन दिलावर खां, जिसने स्वतंत्र मुस्लिम सत्ता की स्थापना की थी मालवा में, दिलावर खां या हुसैन, तो दिलावर खां की मस्जिद और मलिक मुगीस की मस्जिद, ये कहाँ पर है दोस्तों, मांडू में है। तो हमने 2 मस्जिदें पढ़ी हैं धार की, और 2 मस्जिदों के बारे में पढ़ा है हमने मांडू में, कि कमाल मौला मस्जिद और लाठ की मस्जिद आ रही है धार में, साथ ही साथ दिलावर खां की मस्जिद और मलिक मुगीस की जो मस्जिद है वो आ रही है मांडू में। नेक्स्ट हम यदि बात करेंगे तो हमारा जो आगे का जो टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा बुरहानपुर में किस प्रकार से फारूकी सल्तनत की स्थापना होती है, कैसे जो है वो बुरहानपुर सूफी परंपरा के संरक्षण में आता है, कौन कौन से शासक वहाँ पे शासन करते हैं, कैसे बुरहानपुर असीरगढ़ की जगह बुरहानपुर को राजधानी बनाया जाता है, किसके कहने पर बनाया जाता है, कौन बनाता है, आगे का जो हमारा लेक्चर होगा वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। हम इस प्रकार से पूरी हिस्ट्री, आप दोस्तों आपका जो कमेंट बॉक्स में आप लिख रहे हैं कि प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत, दोस्तों मैं आपको पूरा का पूरा MP कवर करवाऊंगी, और इस तरीके से कवर करवाऊंगी कि आपको पूरा का पूरा किसी भी चीज़ को एक ही जगह, आप नोट्स बना दे जाइए साथ साथ, और PDF जो है मैं आगे कोशिश करूंगी कि आपको PDF देने का भी पूरा प्रयास करूंगी, और हम प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत कवर करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ उसके साथ साथ ऐसे क्वेश्चंस हम करेंगे जो व्यापम में पूछे जा चुके हैं, हर एक टॉपिक को करेंगे और टॉपिक के साथ में उससे आए हुए क्वेश्चंस को करेंगे। दोस्तों मेरा आपदा प्रबंधन वाला वीडियो भी चल रहा है,
जहां हमने ज्वालामुखी और ज्वालामुखी से संबंधित प्रश्न, भूकंप और भूकंप से संबंधित कौन कौन से प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में आ चुके हैं वहां पे वो कवर किया हुआ है। आप वो वीडियो भी देखिए दोस्तों, आपको बेहद ही फायदेमंद साबित होने वाला है। यदि आप MPPSC व्यापम या UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपदा प्रबंधन वाला वीडियो भी ज़रूर देखिए। दोस्तों लेट्स क्रैक MP एग्जाम्स को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, साथ साथ बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें। और दोस्तों प्लीज़ मेरे कोड को ज़रूर याद रखिए जो है मेरा वैशाली 10। और दोस्तों यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो इसे ज़रूर यूज़ कीजिए जो है वैशाली 10। दोस्तों सुरक्षित रहिए, सरकार का सहयोग कीजिए। दो लाइनें आपके लिए मोटिवेट करने के लिए यदि मैं कहूँ तो आज मेरे पास बस इतना ही कहने के लिए है दोस्तों कि वो होंगी कल। सिर्फ इतना कहूँगी, कल जो होंगी वो शायरी के अंदाज में होंगी, लेकिन आज मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि दोस्तों आप जो पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं, आपके जो सपने हैं, आपके माता पिता के सपने हैं, एक इंसान से बहुत सारे लोगों को सपने जुड़े हुए होते हैं, तो आप लगातार तैयारी कीजिए। आप के मार्ग में आने वाली विभिन्न बाधाएं लगातार आती रहेंगी। लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सुन रहे हैं, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तो वैसे कम पड़ता है एक स्टूडेंट के ऊपर, लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि यदि आपका परिवार और समाज के लोग आपका सहयोग ना भी करें तो आप जो है वो अपने ऊपर आत्मविश्वास के साथ भरपूर रहिए और आगे बढ़ते जाइए। एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी मोटिवेशन के साथ हम कल मिलते हैं और आज की लाइनें कल दो आपके लिए ज़रूर होंगी, दो की जगह चार होंगी। धन्यवाद दोस्तों, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।